आम आदमी पार्टी ने ज्वालामुखी अस्पताल में रखे गए अस्थायी सफाई कर्मचारियों की मांगों व वेतन के लिए एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अस्थायी सफाई कर्मचारियों को कुछ माह से वेतन नहीं मिल रहा और उनकी पक्की नौकरी के लिए आम आदमी पार्टी हक की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष विकास धीमान ने बताया कि ज्वालामुखी अस्पताल के अस्थायी कर्मियों के वेतन में देरी एक बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा एक और मुद्दा ये है कि अब अस्पताल में ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, तो वहीं ठेकेदार पहले इन्हें वरीयता दें क्योंकि इन्हें 10 साल कार्य करते बीते हैं। ये भूख हड़ताल रोगी कल्याण समिति के सफाई कर्मचारियों के फेवर में है। इन्हें पिछले कुछ महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। पहले इनकी सैलरी जो थी वो 6 महीने की बकाया थी। हमने जब प्रयास किए तो SDM साहब, DC साहब, CMO, BMO यहाँ तक हमने ज्ञापन दिए, उसकी वजह से इनको 2 महीने की सैलरी इनकी रिलीज हो गई है। बट अभी इनकी सैलरी 3 महीने की सैलरी इनकी अभी भी पेंडिंग बचती है। हमारा हड़ताल करने का एक तो ये मेन कारण, दूसरा है कि इन्हें यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे। हम सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि अगर ठेकेदार के द्वारा रखने हैं तो पहले जो प्रायोरिटी है या पहले प्रेफरेंस जो है वो इनको दी जाए, क्योंकि इन्हें 10-10, 11-11 साल हो गए हैं यहाँ पे जॉब करते हुए। तो आप पहले इनको प्रेफरेंस दीजिए कि अगर ठेकेदार ने भी रखने हैं तो इन्हीं को पहले रखा जाएगा, इनको निकाला नहीं जाएगा। तो ये हमारा प्रशासन से बड़ी लेट ये आम आदमी पार्टी की सांकेतिक भूख हड़ताल है, क्योंकि जब हम लोगों ने ये मामला DGR के पास पेश किया तो DGR ने एश्योरिटी दी थी कि इन लोगों की नौकरी नहीं जाएगी और इनको जो इनकी सैलरी मिल जाएगी। उन्होंने ये मामला आगे CMO साहब के पास फॉरवर्ड किया, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया है। तो अब हम सरकार व प्रशासन को एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं, और हमने इससे पहले भी जिसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इन लोगों को दिवाली तक का तोहफा, जो कि इनके वेतन का एक तोहफा, दिवाली तक इन लोगों इन कर्मचारियों को दे दिया जाए, जिससे ये लोग खुशी से अपनी दिवाली मना सकें और आने वाले समय में अपना एक अच्छा समय व्यतीत कर सकें और अपने काम के प्रति ये लोग अच्छा एक कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर सरकार या प्रशासन अगर इन लोगों का तोहफा नहीं या इन लोगों की सैलरी अगर इनको नहीं देती है दिवाली तक, तो आम आदमी पार्टी एक लंबा आंदोलन लेने वाली है और एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आम आदमी पार्टी करेगी। हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि ये जो कर्मचारी हैं इनका वेतन समय से मिलना चाहिए और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। जब भी ठेकेदारी प्रथा आप रखना चाहते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इन 9 कर्मचारियों को होनी चाहिए। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।